YouTube users are 44.8 crores. Facebook users are 41 crore. Instagram users are 21 crore. And Twitter users are 1.75 crores. This is a good number. We are very happy about it. Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. ये आपके कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है. और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं. जब प्रकाश जी ने यहां फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन. देयरफॉर दिस ओनली कंफर्म्स द रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज. और बाकी फाइनेंशियल फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीजें चल रही थी. तो ये हमने देखा कि जो इंडिया में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है, मिनी बिकेम एज इंटरमीडियरी, देन बिकेम द सोशल मीडिया, सम बिकेम पब्लिशर्स ओवरनाइट, ये भी अपने आप में एक डेवलपमेंट हुआ है. ये आपको हम बताना चाहते हैं. आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं चार पांच पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक व्यापक प्रेस रिलीज मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट अलाउन 11 दिसंबर 2018 इन द प्रांजोला केस Asked us to frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape images, videos and sites in content hosting platform and other applications. Supreme Court ने फिर 24th of September 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन कंप्लीटेड एट द अर्लीएस्ट. आवर सेक्रेटरी मिस्टर अजय सानी हैड फाइल एन एफिडेविट इन द कोर्ट टू बी डूइंग बाय दिस ईयर बिगिनिंग इटसेल्फ. राज्यसभा में 26/7/2018 को कॉलिंग अटेंशन मोशन हुआ था फेक न्यूज पर, एबी सोशल मीडिया पर. एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अर्ज मी टू टेक एक्शन एंड देयर इज माय अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि वी विल इंप्रूव द इंटायर गाइडलाइन. और राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट है ऑन 3 फरवरी 2020, जहां पर पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, हेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, इसको लेकर चिंता प्रकट की गई थी. Therefore, court orders, parliamentary proceedings, I only mention of Supreme Court, there are many orders of the high courts as well to take action in this. Hamari ministry ne vyapak consultation kiya. We prepared a draft on 24th of December 2018, where we received 171 comments. We put those comments in public domain and we had 80 counter comments too. Therefore, widespread consultations was done, and also in the case of INB, which will be explained by them. अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं. बाकी तो rules आपके सामने आएगा, press statement भी है. पहला है कि दो category की है, एक है intermediary, which can be a social media intermediary, और दूसरा है significant social media intermediary. सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है. देर आर एडिशनल ऑब्लिगेशन ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी. वी शैल नोटिफाई द यूजर्स नंबर फॉर ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी वेरी सून कि हु विल बी दोस. पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा. हु शैल रजिस्टर द ग्रीवांस विद इन 24 आवर्स एंड डिस्पोजल इन 15 डेज, दैट इज वेरी क्लियर. सेकेंड, इफ देर आर कॉम्प्लेन्स अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ यूजर्स, पर्टिकुलरली वुमन दैट एक्सपोज देयर प्राइवेट पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और न्यूडिटी और इन सेक्सुअल एक्ट, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made.
दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज डिजाइन टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमन ऑफ इंडिया एंड एनीवन एल्स, इज वेरी क्लियर। उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे, तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको तीन काम करना पड़ेगा। पहला, यू विल हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रेजिडेंट इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ द एक्ट्स एंड द रूल्स। सेकेंड, ए नोडल कंटैक्ट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर हैविंग 24/7 कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड। एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया। देयरफॉर जस्ट टू कॉन्क्रीटाइज, वी आर इंपावरिंग द ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर इंटरमीडियरीज, यू मस्ट हैव ए रोबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूटिंग द कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स, रिड्रेसल विद इन 15 डेज। यू मस्ट हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया, यू मस्ट हैव ए नोडल कंटैक्ट पर्सन, यू मस्ट हैव ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर ऑल रिजाइडिंग इन इंडिया एंड यू मस्ट गिव ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट। ये बहुत स्पष्ट है। उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई बट हु वॉज द क्रिएटर, हु वॉज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ। बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू हो जाती हैं, कई बार मेहम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप मॉब लिंचिंग में, तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बींग आस्क्ड आइदर बाय ए कोर्ट ऑर्डर और बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मिसचीवियस ट्वीट और मैसेज एज द केस मे बी, एंड दिस शुड बी ओनली इन रिलेशन टू सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, नंबर वन। नंबर टू, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स और रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यस, और यह सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। आई एक्सप्लेन टू यू, बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया नॉट द गवर्नमेंट। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ द यूजर्स, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। और एक अंतिम बात है कि दो बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। एक अंतिम बात आपको बताना जरूरी है कि आपको रिमूव करना पड़ता है अपने, आपका हर ट्वीट हटा देते हैं, आपका फेसबुक से एंट्री हटा देते हैं। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। इफ यू सीक टू रिमूव द और डिसेबल एक्सेस टू द कंटेंट ऑफ एनी सोशल मीडिया यूजर, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव हिम रीजंस एंड ऑल्सो हियर हिम। ये हमने एक प्रोविजन रखा है।
मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इम्प्रूव कर लें। विल बी गिविंग ए विंडो फॉर 3 मंथ्स फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया एंड द रेस्ट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डे द रूल्स आर नोटिफाइड। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ओवर टू प्रकाश। रवि जी, बहुत धन्यवाद। जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और लोगों की मांग भी बहुत थी, लोगों की मांग रोज सैकड़ों पत्र मंत्रालय में आते हैं। इस बार इस सेशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 50 प्रश्न पूछे गए दोनों सदन में मिलकर, 50 क्वेश्चंस। देश भर में इस विषय की कितनी चर्चा है इसका ये उदाहरण है। और उसके बाद हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में उन उद्योगों के सभी लोगों को बुला के विस्तृत चर्चा की। मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई और पहले मीटिंग में मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म का कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है, लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बनाओ, लेकिन वो भी नहीं बना। बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन बाहर कोई आदमी भी नहीं था। और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। बोथ वी हैव फॉट फॉर मेंटेनिंग प्रेस फ्रीडम एंड हैव गॉन टू जेल ड्यूरिंग इमरजेंसी। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट एवरी फ्रीडम हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम, और उसके लिए वी हैव डिसाइडेड टू हैव 3-tier मैकेनिज्म फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट, फॉर ओटीटी एंड डिजिटल न्यूज मीडिया बोथ विल हैव टू डिस्क्लोज देयर डिटेल्स फ्रॉम वेयर दे पब्लिश, हाउ दे पब्लिश, हाउ मच इज द स्प्रेड, एनीथिंग, सो दैट डिस्क्लोजर विल कम। दैट इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is, there has to be grievance redressal system. As Ravi ji has said, their grievance redressal system in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge or otherwise very eminent person in this category.
So this is what we are entailing. So there any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए. और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रोल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती. तो वैसा ही हम करना चाहते हैं कि ये होना चाहिए. और तीसरा, एक सरकार है तो सार्वभौम सरकार होती है, सॉवरिन सरकार होती है, तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी होगी जहां एकदम तुरंत फैसले कभी करने पड़ते हैं, कोई बहुत बड़ा पेंच तैयार हुआ तो ये ओवरसाइट मैकेनिज्म रहेगा. और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है. तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13 प्लस 16 प्लस एंड ए कैटेगरी, देयर हैज टू बी ए मैकेनिज्म ऑफ पेरेंटल लॉक एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस दैट चिल्ड्रेन डोंट सी दैट. बट बाकी यू सिनेमे जो है इसे वहां भी यू क्लासिफिकेशन सेल्फ क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए भी जो कोड सेंसर बोर्ड का है, जो एक एथिक्स कोड है, वो सबको कॉमन रहेगा और इसलिए वो रहेगा. लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का ये अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं. As I said, media freedom is absolute, but with responsible, reasonable restrictions, and that is the self-restrictions of responsible, that is called responsible freedom. And उस freedom के दायरे में ये दोनों, और ये कानून एक ही है, IT का जो MIT का कानून है, उसी के अंदर जो business rule बदले मोदी जी ने, और ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है खासकर मीडिया का और OTT और डिजिटल मीडिया, इसका INB एडमिनिस्टर करेगी. बाकी जो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म्स है उस पर का संज्ञान IT मिनिस्ट्री पहले जैसे कर रही है वैसे ही करेगी. बस मुझे भी इतना ही कहना है. धन्यवाद सर. एक मिनट बिफोर वी टेक योर क्वेश्चंस फ्रेंड्स, सिर्फ दो बातें मुझे ऐड करनी है. जो प्रकाश जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इंटरनेट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बाय इटसेल्फ, बट द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर 19(1) कैन यूज इंटरनेट टू एक्सरसाइज दैट राइट. तो इफ इट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर 19(1), इट इज सब्जेक्ट टू 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which is reasonable restrictions can be imposed in pursuit of safety, security, sovereignty of India, public order, etc. एक बात मैं ये कहना चाहूंगा. और दूसरी बात हम कहेंगे, सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा, there should not be double standards. If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister swore the national flag. You have double standard. This is plainly unacceptable. धन्यवाद सर. फ्रेंड्स, जैसे आपको बताया कि डिटेल्ड प्रेस रिलीज जो है PIB की तरफ से जारी होगी. However, we will take some questions. First, I take 39. प्रकाश जी, रवि जी, ये सवाल इस चीज से जुड़ा हुआ है, आपके ही विषय से जुड़ा हुआ है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में न्यूज मीडिया बार्गेन कोड लागू किया है, दुनिया के कई देशों में भी इस तरीके की प्रक्रिया शुरू हो रही है. तो क्या भारत में भी इस तरीके की चीज पर विचार हो रहा है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट एग्रीगेटर के बीच में एक बैलेंस बना रहे? ऐसा है, जो ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा है वो इससे अलग है थोड़ा. वो मीडिया की न्यूज जो छापते हैं उनको कुछ पेमेंट मिले न मिले, ये भी एक मुद्दा है. लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि दुनिया के
सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कमीशन या बाकी अन्य देशों में भी इस विषय में क्या क्या हो रहा है इसका हम जानकारी भी रखते हैं और उसकी राय जब प्रकट करना होगा तो करेंगे। 53 सर, मैं मुकेश कौशिक हूं दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल रविशंकर जी से है। आप रविशंकर जी पर्सनली भी बहुत इस बात के वोटरी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो अकाउंट खुले वो फेक ना खुले, नामी ना हो, और इसलिए उनकी कोई ऑर्गेनिक लिंक होनी चाहिए। हम इस दिशा में क्या कर रहे हैं कि वो अगर कोई अकाउंट खोले तो वो अपने मोबाइल नंबर उस पर डिस्क्लोज करे, एक ओटीपी आए, उसके बाद ही कोई अकाउंट खुल पाए, इससे हम लोग एक वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका। देखिए, जैसा मैंने आरंभ में बताया था, इस नए गाइडलाइन का पर्पस क्या है, सोशल मीडिया खुद ये काम करें और उनके यूजर से करवाएं। हम सरकार का हस्तक्षेप कम से कम चाहते हैं, इसीलिए एक वॉलंटरी मैकेनिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उनके रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका मोबाइल तो उनके पास ही है, सिम कार्ड है, आधार कार्ड है, क्या करना है उनको तय करना है। लेकिन हम जरूर चाहते हैं, अपेक्षा होगी कि ये वेरिफिकेशन जरूरी है, वरना वो भारत से ट्वीट हो रहा है, रिट्वीट हो रहा है, विदेश से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, कहीं ना कहीं तो इसके बारे में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। 13 सर, मेरा सवाल एक प्रसाद सर से और एक जावड़ेकर सर से, दोनों से है। सर, सोशल मीडिया कंपनीज कहती हैं कि ओरिजिनेटर आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें एंड टू एंड इंक्रिप्शन ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि प्राइवेसी जो है वो लोगों की वायलेट होगी। एंड जावड़ेकर सर से क्वेश्चन बेसिकली ये है कि सर, जो ऑनलाइन न्यूज मीडिया कंपनीज है उनका मानना है कि, और आपके एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो 69A के अंडर आएंगे आईटी एक्ट के, तो उसके अंडर लाने का उसको क्यों परव्यू किया गया है? ब्लॉकिंग एक्सेस क्यों दिया जा रहा है सर? पिछले कुछ दिनों में इस रेगुलेशन के बारे में अलग अलग खबरें आई है। जब आप रूल्स देखोगे और प्रेस रिलीज देखोगे तो बहुत सारे गलत निकलेंगे। एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ओरिजिनेटर, वी आर नॉट आस्किंग देम टू डिस्क्लोज द कंटेंट। सिंपल क्वेश्चन, ये खुराफात किसने शुरू की? हु बिगैन दिस मिसचीफ? देयर इज दैट, दैट्स ऑल। एंड इट विल बी ओनली इन रिलेशन टू इश्यूज वेयर पनिशमेंट इज फॉर मोर देन 5 years, including security, sovereignty, integrity of India, rape, etc., all these things. Therefore, there is a proper safeguard. 33 लेकिन वही सवाल था रवि जी और प्रकाश जी दोनों से कि अगर आपने रेगुलेशन बनाया है, उसका एक बार, दो बार, तीन बार अगर रेगुलर वायलेशन होता है तो उसको सुधारने के लिए या फिर दंड का अलग अलग दोनों फील्ड में क्या प्रावधान होंगे स्पेसिफिक दोनों फील्ड के लिए? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज के दिन भारत में, फिर रिपीट करूंगा, सोशल मीडिया, इंटरमीडियरी, इन सबों का देश में स्वागत है। भारत के लोकतंत्र में आपने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है, आम आदमी को आवाज दी है, तो कृपया करके जिम्मेवारी के साथ उसका अनुसरण करें, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। और अगर इतने क्लियर गाइडलाइन, जहां दायित्व उनका है, अगर उसका वो अनुपालन नहीं करेंगे तो जो भी कानून में प्रावधान है आईटी एक्ट में, बाकी है वो देखा जाएगा। I want to repeat in very right earnest that we appreciate the proliferation of social media in India and also its use by ordinary Indians. We want them to be more responsible, more accountable for the laws and constitution of India and give voice to their users. I hope they'll appreciate. If they don't, then whatever the provisions are there in the law, we'll take its course. 82 एक उनका एक प्रश्न ओटीटी पे क्या होगा सेल्फ रेगुलेशन में, तो जैसे आज टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, स्क्रोल भी चलाना पड़ता है या अन्य भी प्रकार है, तो ऐसे ही मैकेनिज्म उसी तरीके से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। सर,
So, yeah. So this is Aditi from Times Now. I have a question for Mr. Ravi Shankar Prasad. So we're given to understand that even the news pages and the news handles are going to be included in the new guidelines. So my question was, how exactly is the news content also going to be regulated, and what are the details of the special guidelines for the news publishers? I think, Prakash, you have asked this question to the wrong person, but let me tell you, Prakash Ji has already said very specifically, we are only removing the double standards. What is being followed in the print, you follow here as well. That's all. Print media ko press council ka code follow karna padta hai. Wahi code hai. Aur unke sambandh mein kisi ko shikayat karni hai to press council ke samne shikayat kar sakte hai. Uski sunwai hoti hai. Dono paksha sune jate hai. Aur phir press council bhi दंडक करता है न्यूज़पेपर्स को, तो वही तरीका रहेगा. 20 सर, ये आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस क्या होगी, कौन सा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होगा, क्या आईटी का सेक्रेटरीज का पैनल होगा जो उसको आइडेंटिफाई करेगा कंटेंट को, या फिर कंप्लेंट किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, या यहाँ बैठे किसी की भी हो सकती है. पहली बात बता दूं कि जो वेरिफिकेशन आपने बताया, तो सोशल मीडिया आराम से सिम कार्ड से मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. मैंने बताया कि चाहे वो प्रकाश जी का विभाग हो या मेरा विभाग हो, पहला ग्रीवांस रिड्रेसल आपको करना है, मैकेनिज्म बनाना है, और सोशल मीडिया को दो तीन काम और करना है जो सिग्निफिकेंट है. अब आप नहीं करते हैं तो बाकी तो आईटी एक्ट में तो प्रावधान ही है ना, उसकी चिंता की जाएगी. आप तो जानते हैं आईटी एक्ट. तो सेक्रेटरीज का पैनल जो है वो डिसाइड करेगा किसी का. वो आई थिंक जो आईटी एक्ट में प्रोविजन है उसके अनुसार आज हम रूल्स गाइडलाइंस लेकर के आए हैं. आईटी एक्ट की तो प्रावधान नहीं है ना. 37 Sir, I'm just adding to the question on the news websites that are being included. What I want to understand, since for the first time this has been done, sir, there hasn't really been any consultation with the stakeholders. All of us have now been included in the IT Act. Do you intend to get us on board, have a conversation on this? What is the government planning to do? पहले तो आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डिजिटल न्यूज पोर्टल्स कितने हैं. इसीलिए तो हमने कहा है कि उसका डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन यह आपको करना है, तो हमें पता चलेगा इतने हैं. कंसल्टेशन करें किससे, ये भी तो मुद्दा है ना. तो सारी जानकारी आएगी, तो हमारे दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं. कोई भी आपके सुझाव है तो जरूर आपका स्वागत है. 72 जेल किसको होगी, यूजर को की या प्लेटफॉर्म जी? ऑफेंडर, लॉ ऑफेंडर. चलिए आगे आगे, लेट्स गो. हु इज नेक्स्ट? 17 क्विक फास्ट. सर, मैं नवनीत मिश्रा हूं, न्यूज एजेंसी INS से. एक रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर के बार बार सवाल खड़े होते हैं. फेसबुक और ट्विटर करीब 11,000 करोड़ सालाना का इनकी कमाई होती है भारत में, तो इसको लेकर के सरकार की क्या नीति है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो अपनी कमाई सही से वो शेयर नहीं करते. देखिए, आज का विषय सोशल मीडिया गाइडलाइंस OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म गाइडलाइन के बारे में, तो अगर आप इसी पर सवाल केंद्रित करेंगे तो कृपा होगी. बाकी कौन अपना रेवेन्यू कितना शेयर करे, कैसे करे, इसको लेकर दुनिया में बहुत बहस चल रही है. कई जगह उस पर गाइडलाइन बने हैं, वो एक बड़े डिबेट का विषय है. 129 सर, आई एम सुरभि फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स. जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड सर, दैट विल देयर बी अनदर राउंड ऑफ कंसल्टेशन ऑन ऑल दीज गाइडलाइंस, बिकॉज यू हैव नॉट नोटिफाइड इट, सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू नोटिफाई दीज गाइडलाइंस? एंड लाइक माई कलीग आस्क्ड दैट नन ऑफ द न्यूज पब्लिकेशंस हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली यू नो कॉमेंट और कंसल्ट ऑन दीज गाइडलाइंस. सो विल देयर बी अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विच विल बी डन टू कॉल ऑल द न्यूज पब्लिकेशंस एंड गेट देयर कॉमेंट्स ऑन दिस कोड? योर क्वेश्चन इज टू होम? प्रकाश सर, एंड ऑल्सो टू यू सर, इन टर्म्स ऑफ वेन वी विल नोटिफाई द फाइनल गाइडलाइन. मैंने जैसे बताया, OTT प्लेटफॉर्म्स 40 एंटिटीज नोन है, उनके साथ 3 बार कंसल्टेशन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में हुआ. 2 बार मैंने दिल्ली में सबको बुलाकर मीटिंग की. जो आज मैं गाइडलाइन ले आया हूं उसका ही उन्हीं को करे खुद, यह हमने आग्रह किया. दुर्भाग्य से
छह महीने में नहीं हुआ और इसलिए अब गाइडलाइन आई है, और कंसल्टेशन कहोगे तो जैसे रवि जी ने कहा उनका तो गाइडलाइंस वेबसाइट पर रखे ही थे ओपन, और उसपे 177 कमेंट्स भी आए और कोई काउंटर कमेंट भी आए, तो ये कहना कि कंसल्टेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ डिजिटल न्यूज पोर्टल का मुद्दा ऐसा है, कौन है और कैसे कौन कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। अब जब डिस्क्लोजर होगा और वो जानकारी सब आएगी तब आपके हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। 154 जस्ट ए मिनट, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग टू व्हाट प्रकाश जी सेड वेरी सिग्निफिकेंटली। व्हेन वी सिट इन द गवर्नमेंट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द कंसर्न्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, दैट इज व्हाट नरेंद्र मोदी अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज अबाउट। शुड वी कीप क्वाइट व्हेन ए मदर स्टार्ट्स कंप्लेनिंग टू अस कि माय डॉटर इज बीइंग एक्सपोज्ड लाइक दिस? Should we keep quiet when a small business entrepreneur is sought to be swamped by big business houses based upon falsehood? My department is full of these complaints. So is Prakashji's. Therefore, we have said, no, you will have this mechanism, but you will have to enforce it. We will have a soft touch. That is what this is about. What is the timeline? Wait kar lijiye na, jaise hi hoga aapko maloom ho jayega, jaldi hi karenge. Yes, so my name is Swati Mathur. I'm from the Times of India. My question is to Mr. Prakash Javadekar. Sir, I'm here. Yeah. Sir, you referred to the Film Censor Board and you also talked about age-related classification for OTT content. Now, what I want to understand is that you said that there should be parental locks. Isn't it incumbent on the consumers watching that content to, you know, impose whatever? Here you seem to be, you know, penalizing the OTT digital platforms for not providing, मैंने जो कहा फिर से कहता हूं, फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, टीवी के लिए प्रोग्राम कोड है, ओटीटी के लिए कुछ भी नहीं है। तो प्रोग्राम कोड आएगा जो टीवी वालों को है, सीरियल्स वगैरह सब चलते हैं, और सिनेमा के लिए हम अभी सेंसर बोर्ड उसमें नहीं ला रहे, हम उन पर विश्वास रख के आप क्लासिफाई करो कि 13, 16 प्लस एंड ए फिल्म्स कौन से, और घर में भी देखा जाता है तो घर में बच्चे ये नहीं देखेंगे, इसकी एक सुचारू व्यवस्था, वो प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेवारी है और घर वालों की भी है। नंबर 10 सर, हाउ वुड यू कैटेगराइज, व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया फॉर significant social media intermediaries? I think, sir, initially in your comments you also said that significant social media intermediaries will be given 3 months to comply with this. Is there any timeline for OTT as well, sir? Mr. Javadekar, this is a question. The first question is, significant social media and non-significant social media would be classified based upon the number of users. Very soon we are going to notify it. It will be a significant number, maybe 50 lakh or above or something like that, that we are working out, but very soon we are going to notify that. And once significant social media reach is notified, they will be given a 3 months time, because they have to have additional obligation, chief compliance officer, nodal officer, grievance redressal officers. For others, it will kick in immediately. 47. Venkatraman, Vanakkam. Yes, Vanakkam. And sir, question about the subject, not sir, about Tamil Nadu election. Yeah, I'm related to Tamil Nadu only. I'm asking, going to ask you, what message you want to give it to the people of Tamil Nadu? I think. But so far, whatever you said in Hindi, you are addressing the only North Indian media. No. But you're not bothered about taking into consideration Tamil Nadu, because Ravi Shankar ji had a stake in Tamil Nadu. He was responding in English. I will respond. I will respond to you in English. See, the advancement of technology has brought on the fore very useful mechanisms, and like OTT platforms and the digital news portals. But there were no any mechanism, institutional mechanism, to guide to the people also, because for films there is censor board,
which we are not repeating here in OTT, but there is self-regulation mechanism in TV with program code to be followed. The same thing we are bringing to OTT, and at the same time, for digital news portal, they will have to first give information about their existence, and then they have to follow the press council code, that is called code of ethics. So this is what we are expecting. We believe in our media, we believe they are responsible, and as I said, we fought and went to jail for 16 months to preserve the freedom of media. But media's freedom is also has to be responsible freedom. To make it that responsible freedom ka hi ye ek mechanism. This is the mechanism for responsible freedom. 18. Javdekar sahab, I just wanted to get a small clarification on the issue of Suomoto pass or emergency pass, you know, when government will intervene. How will it play out? What is the mechanism? Who will be the nodal agency? And how do you expect this compliance within 36 hours? There is, even on today's TV shows and complaints, there is a standard interdepartmental oversight mechanism. So that is already exists. There are proper provisions under the IT Act to take emergency measures in case of real emergencies. But once those orders are invoked by the IT secretary or by the INB secretary, as the case may be, it has to be affirmed by a proper committee, it has to be reviewed, and there is a review mechanism which we have imported that of the telegraph rule, namely headed by the cabinet secretary in the government of India and chief secretary in the state government. Therefore, there are proper safeguards also in case of exercise of emergency powers. सर नमस्कार, मैं प्रदीप टोटल न्यूज से. सर मेरा एक क्लेरिफिकेशन जानना था कि जो ये गाइडलाइन तैयार की गई है, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है जो पॉलिटिकल पार्टियों के आईटी सेल्स होते हैं वो खास तौर से हेट स्पीच चलाते हैं और उसके बाद वो वायरल होते हैं, उसके बाद एक पॉलिटिकल मैसेज जाता है. तो क्या इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी इस दायरे में आएगी और उसका क्या गाइडलाइन होगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर देश में करोड़ों लोग सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं तो अपने वो विचारों का भी प्रतिपादन कर सकते हैं. मैं अपनी पार्टी के भी विचारों का कर सकता हूं, वो भी कर सकते हैं. लेकिन जो नॉर्म्स हैं उनका तो पालन करना पड़ेगा ना, कि आप किसी को डिफेम मत करिए, आप किसी महिला के खिलाफ इस तरह की बातें ना करिए, आप आतंकवाद को ना बढ़ाइए, या कई चीजें जो चली हुई हैं, तो इसका विचार करना पड़ेगा. ये सब पर लागू है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो या नॉन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो. 38. So, Anushree from Financial Express. My question is to Mr. Javdekar. So, you spoke about the self-regulatory body for OTT, and which will be headed by either a retired Supreme Court judge or a High Court judge. So, how many members would this body have, and will it also have representatives from OTT platforms? Because in the previous consultations, the representation was not equal, and it was one of the reasons why the ministry had to, you know, step into for formulation of this guidelines. Also, under what circumstances the ministry will step in case the mechanism or the body fails to, you know, handle a grievance? We have not taken any additional power in these guidelines. The oversight mechanism, as explained by Ravi Shankar ji, exists, and it will exist. Prakash, I want to make very clear to my learned journalist friends that we have not framed any new law or any additional law. Under the existing IT Act mechanism itself, in exercise of Section 87 rulemaking power, we have framed these rules and the code of ethics. They should be clearly understood. 40. Hi sir, this is Ashish from the Indian Express. I wanted to ask a question that in the case of messages which go viral and finding the originator, it has often been seen that a VPN or a proxy network is used by the perpetrators. So who would be held liable in such a case, the social media intermediary or VPN? Well, Ashish ji, these are academic questions. As I said in the very beginning, as Prakash ji said, we are trusting the platforms
to be accountable in terms of these regulations. We are trusting self-regulations. And once they will go through all the norms, which will be very much put on the platform, they need to improve their mechanism, whether it is grievance redressal or verification or classification of the curated content. तो हम तो उनको ट्रस्ट कर रहे हैं. इस बात को प्लीज सारे मित्र समझें कि द फोकस ऑफ दिस गाइडलाइन वेदर इन केस ऑफ सोशल मीडिया और इन केस ऑफ क्रिएटिव कंटेंट इज ऑन सेल्फ रेगुलेशन. यू डेवलप, दिस इज द नॉर्म, प्लीज इंश्योर इट फॉरवर्ड अप. लास्ट क्वेश्चन 15. Sir, you spoke about press council norms for websites, sir. Sir, there has been a long demand to increase the ambit of the press council. As a follow-up, is there a plan to do so? Secondly, sir, I also wanted to ask that internet is a global entity. You may set the norms for Indian websites. Have you thought of kind of the same kind of norms could be floated by websites based abroad? So is there any thinking on that? See, it's a different topic whether the Press Council Act will be expanded or given teeth. It's a continuous discussion. Let's see what happens. जहां तक आपका सवाल है, I do acknowledge, internet is a fine creation of human mind. But if internet is a global phenomena, it must have linkage to the local. Local ideas, local culture, local customs, and most important, local laws. Our constitution and laws of India. अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आप अमेरिका में बैठ के आपकी चीज यहां दिखाएंगे और यहां के ग्रीवांस का रिड्रेसल नहीं होगा, यहां के एब्यूज चलता रहेगा, मिसयूज चलता रहेगा, ये हमारी अपेक्षा होगी. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू.